हेलो फ्रेंड्स एंड पेंशनर्स। सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। सो यहाँ पे आप टाइटल देख ही सकते होंगे, AIBRFC की तरफ से जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है रिगार्डिंग बैंक पेंशन अपडेशन, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे अमंग ऑल ऑफ यू। सो काइंडली मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। जहाँ पे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, तो यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग एक्स ग्रेशी एंड नॉन पेमेंट ऑफ द अमाउंट AIBRFC की तरफ से जो हाल ही में अभी लेटर लिखा गया IBA को, HR एंड IR डिपार्टमेंट को, सभी को ना सी दैट एग्जैक्टली है। सो होपफुली यहाँ पे साउंड की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आज। सो मैनी इन द कमेंट सेक्शन, सो मैनी कमेंट्स आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू एंड द प्रॉब्लम दैट परसिस्टेज, काफ़ी समय से जो प्रॉब्लम फ्रेंड्स आ रही थी दैट वॉज रिगार्डिंग द नॉइज एंड वॉइस प्रॉब्लम। सो आई एम ट्राइंग टू रेक्टिफाई दैट, उसको मैं यहाँ पे रेक्टिफाई करने की दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ। सो ये 6 जून का सर्कुलर है, 6 जून 2023 ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन की तरफ से। 6 कॉन्फ्रेंस स्लोगन आपको पता ही है, पेंशन अपडेशन इज़ अ राइट ऑफ द बैंक रिटायरीज। सो उसके रिगार्डिंग जो रेफरेंस नंबर 2023/052 लेटर नंबर दैट इज़ बींग रेफर टू मिस्टर श्री ब्रजेश्वर शर्मा, सीनियर एडवाइज़र HR एंड IR के IBA मुंबई। सो दैट इज़ रिगार्डिंग द एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू प्री 1986 रिटायरीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ इंक्रीज अमाउंट इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप। तो उसके रिगार्डिंग ये लेटर है एंड वी रिक्वेस्ट यू टू रेफर द सर्कुलर नंबर। तो यू नो 7 फरवरी 2023 का जो सर्कुलर नंबर है एड्रेस टू चेयरमैन SBI MD एंड CEO PSB ऑन द अबव सब्जेक्ट। सो वी कन्वे अवर थैंक्स फॉर द मच नीडेड रिवीजन ऑफ द एक्स ग्रेशियो अमाउंट दैट इज बींग पेएबल टू प्री 1986 रिटायरीज एंड द स्पाउसेज अप्रूव्ड बाय द IBA। तो उसके लिए यहाँ पे उनका थैंक्स है। सो वी अंडरस्टैंड फ्रॉम अवर एफिलिएट्स दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट हैज़ नॉट येट रिसीव एक्स ग्रेशियो अमाउंट टू द एलिजिबल रिटायरीज दैट इज द रिटायरीज ऑफ द ई एसोसिएट बैंक्स एज पर द अबव सर्कुलर थ्रू अबाउट 3 मंथ्स हैव पास सिंस इशुएंस ऑफ द सर्कुलर। तो यहाँ पे 3 मंथ यहाँ पे हो चुके हैं दोस्तों एंड द सर्कुलर बींग इशूड दैट वॉज इन द फरवरी एंड वी शैल फील ऑब्लाइग्ड इफ यू विल काइंडली आस्क SBI मैनेजमेंट टू एक्सपीडिट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IBA डिसीजंस इन द मैटर एंड पे इंक्रीज अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेशिया टू द एलिजिबल प्री 1986 रिटायरीज एंड स्पाउसेस इमीडिएटली। As you are aware, the affected retirees are in the age group of 90+ and need additional financial support to meet their basic needs. तो यहाँ पर उनको it's quite obvious they are in want of the basic needs, उनको financial support जितनी मिल जाए so that will be obviously beneficially for them. So the circular is being written by Mr. S.C. Jain, General Secretary of All India Bank Retirees and Federation. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CC, इसमें convener यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंकिंग यूनियन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स जितने भी हैं यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंकिंग यूनियन, उनको यहाँ पे रेफर करा गया एंड दिस वॉज द लेटर दैट वॉज वे बैक रिटन इन 7th नॉट टू दैट मच वे बैक, इट्स जस्ट 3 मंथ्स ओल्ड, February 7, 2023 का जो सर्कुलर है चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया MD एंड CEO। तो यहाँ पे IBA की तरफ से ये अपडेट आई है। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी तक इसकी पेमेंट दोस्तों नहीं हुई है, तो उसी के रिगार्डिंग AIBRFC ने इस मैटर को हाईलाइट करा है एंड दैट इज़ बींग एड्रेस्ड वे बैक टू द IBA। सो दिस वॉज द मेजर अपडेट दैट इज़ बींग डन बाय द AIBRFC रिगार्डिंग एक्स ग्रेशी एंड नॉन पेमेंट ऑफ द अमाउंट। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन एंड काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द लेटेस्ट बैंकिंग एंड पेंशन अपडेट्स के लिए। चैनल के साथ दोस्तों जरूर बन जाना एंड काइंडली शेयर अपडेट को जरूर शेयर कर देना एंड लाइक द वीडियो। दैट्स इट, टेक केयर ऑल, सी यू ऑल बैक।